देखिए ये है वैष्णोदेवी धाम और यहाँ पे भी रूम फुल है, अभी रुकने की व्यवस्था नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे गाड़ी के आसपास इतनी भीड़ क्यों लगी है, तो गाड़ी में कोई भक्तजन है जो कि फ्रूटी बांट रहे हैं। ये देखिए ये सब भैया लोग लेके आ रहे हैं और आंटी लोग, ये सब फ्रूटी का एंजॉय कर रहे हैं। पर मैंने यहाँ पे एक बात देखी जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये देखी कि लोग पांच पांच छह छह फ्रूटी ले ले रहे हैं और बैगों में भर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कर्म और धर्म के हिसाब से जो फ्रूटी बांट रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो अपना कर्म कमा रहे हैं। चाहे आप उनसे पांच लो चाहे छह लो, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो यात्री ले रहे हैं, मेरे ख्याल से जिनको जरूरत है और जरूरतमंद है, जैसे किसी का पैसे की दिक्कत है या कोई मजबूर है जो नहीं खर्चा कर सकता है, वही यात्री भंडारों की या ऐसी सेवाओं का फायदा लें ताकि किसी जरूरतमंद को वह चीज मिल सके। क्योंकि भंडारा या सेवा जो यात्री करते हैं वो इसलिए करते हैं कि भोले बाबा जी उन पर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। तो कृपा जो लोग भंडारा लेते हैं उनकी कृपा में से कुछ कृपा बाबा उन पर बना देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, चार चार पांच पांच फ्रूटी ना लें जिनको जरूरत है। कुछ अच्छे भले यात्री भी फ्रूटी लेके, और देखिए कैसी मारामारी मची हुई है गाड़ी पे, ठीक है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिनको जरूरत है वही लें, पांच पांच छह छह फ्रूटी ना लें। तो ये सब कर्मों का फेर है, कोई कर्म कमा रहा है तो कोई कर्म दे रहा है इसीलिए कोई कर्म कमा रहा है। जय भोले बाबा जी की।